इंडियन जिन्होंने भारत के लोगों को उस कोविड की महामारी के दौरान बचाया, ये उनकी कहानी है एंड इट इज बीन ब्यूटिफुली टोल्ड. कूडोस टू अग्निहोत्री. Empowering, emotional, educating, everything. Vivek sir and Pallavi ma'am have done tremendous job. Film about our scientists and about what havoc the press can create. Okay. Bharat can do it. नाना पाटेकर जी को इतने दिन बाद फिर से देख करके नया जोश मेरे ख्याल से पूरे देश के लोगों में आएगा अपने देश के प्रति. और एक मैसेज दिया है दैट वी कैन इन भारत कैन डू इट एज वेल एज एक बड़ा मैसेज है औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कि वो आगे बढ़ के इंडिया के लिए बहुत बड़ा. इस तरह के टॉपिक पे ऐसी मूवी बनाना जो आम लोग जिसमें को इंटरेस्ट आ जाए उनको, ये बड़ा मुश्किल काम है और ये बड़ी आसानी से उन्होंने किया है. और चैनल दैट इज एसएम डिजिटल रिव्यूज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो आज हो रहा है प्रीमियर शो जिस फिल्म का, उसका नाम है द वैक्सीन वार. ये रिलीज होने वाली है 28 तारीख को, लेकिन आज इसका एक स्पेशल प्रीमियर शो हुआ है PVR प्लाजा में, स्टार्ट होने वाला है अभी. और यहाँ पे जो विवेक रंजन अग्निहोत्री है जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है और पल्लवी जोशी जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है, उन्होंने इसका एक स्पेशल स्क्रीनिंग यहाँ पे स्पेशल प्रीमियर रखवाया है. तो फिल्म अभी शुरू होने वाली है. फिल्म शुरू होने के बाद जो जनता अंदर बैठ के शो को देखेगी उनसे हम जानेंगे कि क्या ये फिल्म देखने लायक है या नहीं है, उनके क्या व्यूज़ हैं, वो सब आप इस रिव्यू में देखेंगे. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पब्लिक रिव्यू को एंड तक देखना, लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज़. ठीक है, तो बस अभी शो शुरू होने वाला है. बहुत अच्छी मूवी थी और इट हैज़ स्प्रेड अ राइट नैरेटिव दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडिया और भारत में भारत की अचीवमेंट्स के बारे में. इट इज़ राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट, स्प्रेड टू द वर्ल्ड दैट इंडिया कैन. रिसर्च वगैरह प्रॉपर आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छी रिसर्च थी. मुझे लगता है कि साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उसकी अचीवमेंट्स को दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी. इट हैज डन इट. व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंसेस ऑफ नाना पाटेकर, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी? वंडरफुल. आउट ऑफ 5? 5. कैसी लगी मैम? बहुत अच्छी लगी. क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ. अच्छा, विवेक जी अपने जो साइंटिस्ट हैं उनको आज भी अब भी बहुत अच्छा काम करते हैं और हम चाहते हैं कि वो इससे भी बढ़िया काम करें और भारत हमारा नंबर वन बने. नाना पाटेकर जी के बारे में क्या? बहुत अच्छे. नाना पाटेकर की आज तो बात ही क्या. रेटिंग कितने देंगे? ग्रेट. आउट ऑफ 5? 5. ओके. बहुत अच्छी फिल्म बनाई है. विवेक अग्निहोत्री मेरे कॉलेज के दोस्त हैं. अच्छा. बहुत अच्छा लगा. अच्छा. क्या उन्होंने ऐसी अच्छी फिल्म बनाई है. ओके. एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी सो इट्स ऑल द मोर इफेक्टिव. कास्ट वाज वेरी वेल चोजन. नाना पाटेकर डिड अ वेरी गुड रोल, वेरी कन्विंसिंग. ओके. आउट ऑफ 5? हां, आउट ऑफ 5. 4.5. ओके. हाउ वाज द मूवी सर? फैंटास्टिक. 5 out of 5. सर कैसी लगी? वेरी वेरी पावरफुल, वेरी इम्प्रेसिव. इट टोल्ड अस अबाउट द पीपल हु सेव्ड इंडिया एंड द इंडियन, जिन्होंने भारत के लोगों को उस कोविड की महामारी के दौरान बचाया, ये उनकी कहानी है एंड इट इज़ बीन ब्यूटिफुली टोल्ड. कूडोस टू अग्निहोत्री साहब एंड हिज टीम. थैंक यू. वेरी नाइस, सुपर्ब, एजुकेशनल एंड प्रॉपर. How was the movie, sir? Fantastic, patriotic, very good. और मैं तो सरकार का आदमी हूँ तो सरकार के लिए तो बहुत इज्जत की बात है. थैंक यू. कैसी लगी मैम? कैसी लगी? It's wonderful. It's going to have a great impact on society. A very positive impact. कैसी लगी सर? Very good. Very informative. Very innovative. कैसी लगी सर? बहुत अच्छी थी. कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया. नाना पाटेकर जी कैसे लगे? Amazing, as always. कैसी लगी आपको? It was really inspiring movie, seriously. मतलब जो भी उन्होंने दिखाया वो बहुत अच्छा दिखाया. Out of 5, it's 5. नाना पाटेकर कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा एक्ट किया उन्होंने, बहुत मजा आया. और सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई कि सबको सामने देख कर फर्स्ट टाइम. बहुत अच्छा था, पर ये था कि इंस्पायरिंग. बहुत It's a must watch. Superb film about our scientists and about what havoc the press can create. Okay. Bharat can do it. So, Nana Patekar ji, scientist ke role mein kaise laga? Absolutely tops. I mean, I'm a fan of his. So, whichever role he does so perfectly. Out of 5? Perfect. Out of 5 rating, movie ko kitni denge aap? 5.5. It's amazing. Empowering, emotional, educating, everything. Vivek sir and Pallavi ma'am have done tremendous job. What about the performance?
परफॉर्मेंस ऑफ नाना पाटेकर पर माय गॉड ही इज बैक इन एक्शन आई लव्ड इट आई लव्ड इट अमेजिंग कैसी लगी आपको फिल्म बहुत बढ़िया है मेरे छोटे भाई ने बनाई है तो मेरे लिए तो सर आंखों पर इतनी शानदार फिल्म है मतलब पहले भी मैं सोचती हूँ सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ये फिल्म नाना पाटेकर जी कैसे लग रहे नाना पाटेकर जी को इतने दिन बाद फिर से देख करके नया जोश मेरे ख्याल से पूरे देश के लोगों में आएगा अपने देश के प्रति कैसी लगी सर आप बहुत शानदार बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको क्या अच्छा लगा फिल्म में ये पूरी फिल्म बहुत बंधी हुई थी कहीं भी कोई ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं कुछ ज़्यादा खींचा जा रहा है एक एक चीज़ और डायलॉग्स और राइटिंग मुझे बहुत शानदार लगी नाना पाटेकर जी की एक्टिंग तो जबरदस्त विवेक अग्निहोत्री की रिसर्च कैसी है इस फिल्म में बहुत शानदार टू द पॉइंट है और सारा कुछ उन्होंने कवर करा हुआ है सारा कवर कोविड 19 का वो टाइम काफ़ी डिफिकल्ट था तो उसको उन्होंने जिस तरीके से दर्शाया है इट्स एब्सोल्युटली यू नो मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि सब्जेक्ट से कहीं भी डाइग्रेस हो रहे हैं या अलग हट रहे हैं और एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो हमें मीडिया के थ्रू तो पता चल रहा नहीं ओके आउट ऑफ 5 5 थैंक यू सो मच मैम कैसी लगी द वैक्सीन बहुत अच्छी बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है विवेक जी ने और एक मैसेज दिया है दैट वी कैन इन भारत कैन डू इट एज वेल एज एक बड़ा मैसेज है औरतों के लिए महिलाओं के लिए कि वो आगे बढ़ के इंडिया के लिए बहुत बड़ा नाम करेंगी थैंक यू आपको कैसी लगी ब्रिलियंट आई थिंक सच मूवीज आर द वे फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड दिस इज वॉट वी नीड टू ब्रिंग इन देयर इज लॉट ऑफ ट्रूथ देयर इज एक्साइटमेंट अबाउट वुमेन एंड हाउ they take a very pivotal role in structuring tomorrow's India, today's India, yeah. You know, so it's brilliant. Every woman should watch it. Yeah. All right, out of 5? Brilliant. It's brilliant. The casting. So out of 5? 5 out of 5. Brilliant. Okay. I mean, I've seen mostly all of the films that Vivek has produced. But this one stands above all of them, okay. By far. The best movie, I mean, I'm like totally short of words at the moment. Okay. But yes, I mean, the struggle shown is very much real. Mm. And it's like, you know, the emotions of the scientists, they've really played out really well. Mm. The crews have, you know, they've played the characters really well. So it's a must watch. I congratulate Vivek and team for this. All right. Thank you so much. Thank you. बहुत बढ़िया आई मीन सिर्फ इसलिए नहीं कि विवेक अग्निहोत्री को मैं पर्सनली पसंद करता हूँ क्योंकि इस तरह के टॉपिक पे ऐसी मूवी बनाना जो आम लोग जिसमें को इंटरेस्ट आ जाए उनको ये बड़ा मुश्किल काम है और ये बड़ी आसानी से उन्होंने किया है और मैं चाहूँगा कि सब लोग देखें और इसमें एक एक्स फैक्टर भी है जो यू नो लोगों को लगेगा कि ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो भी उनको मिलेगा अच्छा कोविड 19 का टाइम हमारे लिए सबके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था तो उसको किस तरीके किस खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है फिल्म में देखिए वो जो टाइम था उसमें जो हम सब ने चैलेंजेस फेस किए थे उसको टच तो किया है लेकिन समझना होगा कि मूवी जो है कि वैक्सीन पे कैसे बनी थी अच्छा। और उसके बावजूद इन्होंने इतना इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाया है अच्छा। कि जो लॉकडाउन में हमारे चैलेंजेस थे जो हमने वो दर्द कैप्चर हुआ है लेकिन मूवी में वैक्सीन के बारे में ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे तरीके आउट ऑफ 5 कितना रेट 5